लेटेस्ट करंट अफेयर जो कि वर्तमान में कौन क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। साथ ही हाल ही में जो राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं उनके पूरे बारे में बताऊंगा। आगामी एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, जो कि करंट अफेयर की लेटेस्ट अपडेटेड है। चलिए देखते हैं। पहला, हाल ही में जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। और यह करंट अफेयर आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, प्री मेंस और चपरासी भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई है। देखिए, एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और 2 से 3 नंबर यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे करंट अफेयर के। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। तो राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसके पहले कौन था? इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो चलिए बताइए, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे, ये कौन है राष्ट्रपति आदिवासी महिला। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार यानी कि 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कौन से राष्ट्रपति? 15वें राष्ट्रपति के रूप में। साथ ही वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, करंट अफेयर लेटेस्ट है, एग्जाम में आने की संभावना है। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने NV रमन ने शपथ दिलाई है। तो किसने शपथ दिलाई है मुर्मू जी को, यह प्रश्न में बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, NV रमन ने शपथ दिलाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संथाल जनजाति से संबंध रखती है। तो कौन से जनजाति से संबंध रखती है, यह प्रश्न बन सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रहती है। अब इनके जन्म के बारे में बात करें तो ऊपर बेड़ा मयूरगंज जिले उड़ीसा में। ठीक है, यह पहली जनजाति राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यह कौन से महिला राष्ट्रपति बनी, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, दूसरी राष्ट्रपति महिला बनी है। हाल ही में यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जल्दी बताइए, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे बने हैं। कौन बने हैं? रानिल विक्रम सिंघे। और इसके पहले कौन से थे? तो गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, इसके पहले कौन थे? इसके पहले ये गोटबाया राजपक्षे जो अभी हाल ही में है, रानिल विक्रम सिंघे। चलिए ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो अनुभवी नेता रानिल विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। तो कौन से राष्ट्रपति? 8वें, इसको याद रख लीजिएगा, 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया था। ठीक है, साथ ही यह भी नोट करते चलिए कि प्रधान न्यायाधीश जयसूर्या ने संसद भवन परिसर में 73 वर्षीय विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, हाल ही में अब देखिए यहाँ से श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, नोट करते चलिएगा, इसको हाल ही एग्जाम में पूछ सकता है, यह एग्जाम है करंट अफेयर जो कि एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक करके जरूर रखें। चलिए इसके बाद देखिए, मैं डिटेल बताऊंगा कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इसको श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रानिल विक्रम सिंघे ने वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है यह प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद देखिए चौथा है आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वैसे आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। पहला PT उषा खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र हेगड़े समाजसेवी हैं, विजय
प्रसाद, लेखक, ठीक है। संगीतकार इलैया राजा, संगीतकार हैं ये सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सभी होगा, ठीक है। ये सभी हैं, ये चारों सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। इसको नोट करके चलिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की क्लास। पांचवा है आपका कि यहाँ पर नीति आयोग के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि देखिए यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, जो अभी है नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, कौन है? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर पांचवा का सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? परमेश्वरम अय्यर जी, ठीक है, परमेश्वरम अय्यर जी, ठीक है। तो इसके पहले नीति आयोग के नया मुख्य अधिकारी कौन थे आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। देखिए अब इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ मैं, कि देखिए भारत सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। परमेश्वरम अय्यर की नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, नोट कर लीजिएगा, 2 साल के लिए नियुक्ति की गई है। और इसके पहले कौन, किसके पहले लिया था? अमिताभ कांत की जगह लेंगे, कौन लेंगे जल्दी बताइए? परमेश्वरम अय्यर जी, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अभी अमिताभ कांत है ना, अमिताभ कांत है। अब इसके जगह कौन ले रहे हैं? तो परमेश्वरम अय्यर जी ले रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करके चलिएगा। आपका छठवा प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, अर्थशास्त्री सुमन बेरी बने हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि अर्थशास्त्री सुमन बेरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, ठीक है। बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी कि NCAR के महानिदेशक, मुख्य कार्यकारी और रॉयल डच के सेल के वैसरिक यानी कि अर्थशास्त्री रह चुके हैं। हाल ही में यह भी पूछ सकता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ना, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सातवां है कि देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह भी एग्जाम में आ सकता है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को याद कर लीजिएगा, जो भी है इसका PDF आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो जो कि 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन है जल्दी बताइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सातवां का ए हो जाएगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। साथ ही राजीव कुमार ने सुशील चंद्र की जगह ले ली है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका आठवां है कि केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया? G20 में यहाँ पर भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, तो कौन है? इसका आंसर ए होगा, अमिताभ कांत जी। तो देखिए इसका पूरा नोट आपको मैं बता दूंगा, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। नीति आयोग के पूर्व जो CEO हैं अमिताभ कांत जी हैं, कौन है? नीति आयोग के जो पूर्व CEO है, ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं। और G20 के नए शेरपा होंगे कौन? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? पीयूष गोयल की जगह, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है आपका कि 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए प्रबंधक यानी कि निदेशक MCO किससे नियुक्त किए हुए हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आशीष कुमार चौहान जी होंगे, ठीक है, आशीष कुमार चौहान जी होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए आशीष कुमार चौहान के NIC ने नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है, ठीक है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई 1992, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में एग्जाम में पूछ सकता है कि UGC के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो UGC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर ए होगा, जगदीश कुमार जी। कौन होगा? एम जगदीश
कुमार जी हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। डिटेल इसका मैं बता देता हूँ। फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान में UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक यानी कि MD कौन बने हैं? हाल ही में एग्जाम में आ सकता है, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती। और देखिए अभी जो 23 सितंबर को एग्जाम होने वाला है चपरासी भर्ती की, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के जो नए प्रबंधक बने हैं MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? 11वां का ए हो जाएगा, आलोक कुमार चौधरी जी बने हैं। तो इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिटेल है, देखिए यहाँ पर नोट करते हुए चलेगा ना, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक यानी कि निदेशक के रूप में श्री आलोक कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है। मुंबई में 9 जून 2022 को देश के सबसे बड़ा यानी कि ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के SBI ने नए प्रबंधक यानी कि MD का पदभार श्री आलोक कुमार चौधरी ने स्वीकार किया है। साथ ही 7 जून 2022 को यह नियुक्ति लागू हो चुकी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कब लागू हो चुकी है। तो 7 जून 2022 को यह नियुक्ति लागू हो चुकी है। बिल्कुल वीडियो को याद करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी जितने भी मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखिए वीडियो को सब्सक्राइब तो करोगे, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ठीक है, तो 12वां प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया यानी कि स्थायी प्रतिनियुक्त किया गया है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? 12वां का बी हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। ठीक है, अब ये रुचिरा कंबोज कौन है? तो देखिए यहाँ पर वरिष्ठ राजनीय रुचिरा कंबोज को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसरो से आपके प्रश्न बनेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है हर साल, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, तो जो कि आज की जो करंट अफेयर आपको 2 से 3 नंबर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं, इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं कौन बने? तो एस सोमनाथ, वो कि 10वें में। ठीक है, 10वें, तो इसके पहले कौन थे? तो के सीवान जी थे। कौन थे? के सीवान। तो इसका मैं डिटेल आपको मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए नोट कीजिएगा इसको, यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। एस सोमनाथ यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष चीफ के रूप में पद ग्रहण किया है। सोमनाथ के सीवान ने रिटायर होने पर अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव और अंतरिक्ष आयोग यानी कि स्पेस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो इसके पहले कौन था? के सिवान जी थे। और हाल ही में कौन है? तो दिखे यहाँ पर हाल ही में सोमनाथ जी हैं। ठीक है, सोमनाथ के सिवान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ से नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? 14 का डी हो जाएगा, राजेश गेरा ने। ठीक है, राजेश गेरा जो कि विज्ञान केंद्र के NIC के महानिदेशक के रूप में पदभार किया गया या उसको नियुक्ति की गई है। तो डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा का 31 मई 2022 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही गेरा वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैट्री के तहत NIC स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य के सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के संचालित समाधान प्रदान करने का उद्देश्य से की गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15वां, ठीक है, 15 जून देखिए 2022 में यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंदर 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन जून 2022 में जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर, ठीक है, 2 साल के लिए अवधि के लिए लोकपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, NJ ओझा। कौन है? NJ ओझा। ठीक है, NJ ओझा, इसको बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा, NJ ओझा जी हैं। ठीक है, देखिए इसका डिटेल है कि MS विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी रजिस्ट्रार ने NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल यानी कि 2 साल के कार्यकाल के लोकपाल नियुक्त किया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है कि जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 16वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर डी हो जाएगा, सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, यह एग्जाम में आ ही सकता है। जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक
डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सुजाय लाल थाउसेन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटेल है, इसका जानकारी बता रहा हूँ। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सुजाय लाल थाउसेन ने, कौन सा अधिकारी? 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सुजाय लाल थाउसेन ने 1 जून 2022 को सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB महानिदेशक डीजी के रूप में कार्यभार संभाला गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ से देखिए जो कि 17वां प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ठीक है, नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, यह आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद जो वरिष्ठ, देखिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फीकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसका कौन सा होगा कमेंट में जरूर बताएं, इसका आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल वीडियो में कमेंट जरूर करें, अगले वीडियो का इंतजार करते रहें।